गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो मेरा नाम है इंद्रजीत। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल मिस्टर टंकी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड, ये हमारी सीरीज का जो कि आप CRT सीरीज चल रही है कंप्यूटर की, तो ये सीरीज का थर्ड वीडियो है, यानी कि थर्ड तीसरा दिन भी बोल सकते हैं आप इसे थर्ड। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हम, तो हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा कंप्यूटर वो क्या कहलाता है। हम कंप्यूटर के कुछ पुर्जों के बारे में जानते हैं जिसे हम कंपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमने जाना कि कुछ जो कंपोनेंट होते हैं मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, तो हम उनके बारे में कुछ समझा जाना। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन डेटा क्या कहलाता है, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन, इन तीनों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हमारा डेटा क्या कहलाता है, ठीक है। तो नंबर वन पे आ जाता है हमारा डेटा। अब डेटा होता क्या, कहलाता क्या है, ठीक है। तो डेटा हमारा, जैसे कि जब हम कोई चीज़, जैसे हमने कोई इन्फॉर्मेशन हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई टेक्स्ट फाइल बनाई कंप्यूटर पे, और उसे जब हमने कंप्यूटर में सेव किया, ठीक है, तो जब तक वो हम पढ़ सकते थे हमारे लिए वो इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। जैसे हमने उस कंप्यूटर में सेव किया, तो कंप्यूटर ने क्या किया, आपका, अब आपको पता है, मुझे पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर को खाली दो ही चीज़ें समझ आती है, तो 0 या 1, ठीक है। इन दोनों ही कंडीशन को ये समझता है, ठीक है। इसके अलावा इसे कोई लैंग्वेज नहीं आती। तो ये क्या करता है, जब भी हम कोई टेक्स्ट फाइल होती है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए पहले तो इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब हम कंप्यूटर को देते हैं उसे सेव करने के लिए, तो ये क्या करता है, उसे 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। और अब भी क्या है, जहाँ पे स्टोरेज ड्राइव होता है स्टोरेज में, वहाँ पर उसे स्टोर कर लेता है 0 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो जब उसे स्टोर कर लेता है तो वो क्या कहलाता है, फिर वो इन्फॉर्मेशन नहीं रह जाता। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पर डेटा सेव करते हैं तो वो हमारे जो भी डेटा होता है 0 1 की फॉर्म में बदल के वहाँ पर सेव हो जाता है, ठीक है। जैसे ही 0 1 की फॉर्म में बदल के डेटा सेव होता है, फिर वो डेटा ही कहलाता है। क्यों, क्योंकि अब हम डेटा एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम आसानी से पढ़ नहीं सकते। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को 0 1 आसानी से आ सकता है, ठीक है। अब इंसान कैसे पढ़ेगा इसे, अब 0 1 यहाँ का मान लीजिए डेटा, ऐसे मैंने 1 1 0 1 ऐसे कुछ पहले नंबर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब आपको ये पढ़ने में आ रहा है क्या, आप पढ़ के बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, नहीं है ना। तो ऐसे ही जो कि डेटा होता है हमारा, वो 0 1 की फॉर्म में वहाँ पर जाके जो भी स्टोरेज होती है उसमें सेव हो जाता है, ठीक है। तो उसे क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान नहीं पढ़ सकता आसानी से, ठीक है। पढ़ सकते हैं क्योंकि इंसान ने ही कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर की कोडिंग वगैरह जो भी करते हैं, वो भी ट्रांसलेटर जो भी बनाए हैं वो सारे इंसान ने बनाए, लेकिन इतनी आसानी से हम लोग नहीं पढ़ सकते, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो अब हमने समझा कि डेटा होता क्या है। तो 0 1 की फॉर्म जब हम कोई भी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं सेव करने के लिए, तो डेटा की फॉर्म में यानी 0 1 की फॉर्म में अपने आप को सेव कर लेता है स्टोरेज में, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं डेटा। अब इसके बाद आ जाते हैं नंबर दो पे, प्रोसेसिंग। तो जब हम कोई भी डेटा कंप्यूटर को इनपुट में देते हैं, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 + 2, तो यहाँ पर क्या हो, कुछ कार्य होने, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों का सम कर रहे हैं, ठीक है, ऐड ऑन कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो इसका आंसर हमें 4 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग के जरिए ही पता करता है। पहले कंप्यूटर देखेगा कि हमें इनपुट में क्या दिया, 2 दिया है, फिर इसके बाद एक प्लस का आइकन दिया, उससे समझ में आ गया कि इसे क्या करना है, हम जो भी संख्या होगी आगे उसको क्या करना है, अगले से सम करना है, ठीक है। तो ये इस देखेगा कि यहाँ प्लस का आइकन, उसी हिसाब से यहाँ पर हमें टोटल रिजल्ट प्रदान कर देगा कि 4, ठीक है। ये हमारा प्रोसेसिंग कहलाते हैं। अब जब यहाँ पर किसी भी प्रकार का डेटा, वो कोई भी डेटा हो सकता है, वीडियो, टेक्स्ट, फाइल, वो हर तरह के डेटा को इसी तरीके से प्रोसेस करता है। जब हमने, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई टेक्स्ट फाइल है, हमने उसे बोला कि ये टेक्स्ट फाइल हमारी क्या है, उस ड्राइव में है, तो उसे ला कर हमें ओपन करके दो, ठीक है। तो इसने हमें वो फाइल लाई, लो यहाँ पर हमें उस पर कुछ कार्य करने के लिए, कुछ करने के लिए उसने पहले प्रोसेस किया डेटा, फिर हमें वो फाइल ढूंढ के लाता है, और देन यहाँ पर हमें फाइल ला के दे देता है, ठीक है, उसने हमें फाइल ला के दे दी। तो ये हमारा प्रोसेसिंग का कार्य इस तरीके से होता है। अब थर्ड जो बात आती है इसमें, तीसरा, कि डेटा जो होता है, डेटा प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग था हमारा, ये सेकंड नंबर। देन इसके बाद हमारा थर्ड नंबर आता है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन क्या कहलाता है, तो इन्फॉर्मेशन वह चीज़ होती है जिसे हम यूजर्स, यानी कि हम जो कंप्यूटर चलाते हैं, उस वो यूजर्स उसे पढ़ सकता है। इन्फॉर्मेशन, अब देखिए आप इसे सीधे सीधे डिफाइन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। देन जैसे हमने कोई यहाँ पर टेक्स्ट फाइल लिखी, ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पर राज दिल्ली में रहता है, तो यहाँ पर ही क्या हुई, ये हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन हुई। क्यों,
या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं कि द डेटा सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन। जब हमारी इन्फॉर्मेशन पहले ऐसी थी, ठीक है, हमने इसे सेव करने के लिए दिया था कि राज दिल्ली में रहता है। जब इसने अपने पास ये डेटा स्टोर किया तो उसने 01 के फॉर्म में बदल के दे दिया। लेकिन जब हमने इससे दोबारा वही इन्फॉर्मेशन मांगी कि हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमने सेव कराई थी, तो उसने डेटा से फिर हमें ट्रांसलेट यानी कि कन्वर्ट करके दिया, और उसके बाद हमें दिया जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी थी उसे कि राज दिल्ली में रहता है, तो उसने हमें वो इन्फॉर्मेशन ला के दे दी। यानी कि इन्फॉर्मेशन को एक ह्यूमन बींग आसानी से पढ़ सकता है और समझ सकता है, ठीक है, लेकिन डेटा को एक इंसान आसानी से समझ नहीं सकता ना ही उसे पढ़ सकता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन यानी कि आप सीधे सीधे बता सकते हैं, जब भी आपसे पूछता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन वह डेटा सेट ऑफ डेटा है, या फिर इन्फॉर्मेशन वह डेटा है जिसे इंसान पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अब हमने इसमें तीनों में जाना कि तीनों में समानता क्या है, तो समानता में यही है कि इसको एक नॉर्मल पर्सन नहीं पढ़ सकता है, ना इसे देख के बता सकते हैं कि क्या डेटा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से जो भी 01 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। अब प्रोसेसिंग, जो भी डेटा हम इनपुट पर देते हैं उस पर क्या प्रोसेस मतलब क्या कार्य करना है वो प्रोसेसिंग के बाद होता है, ठीक है। और इसके बाद थर्ड जो नंबर आता है इसमें इन्फॉर्मेशन, तो हमने जो रिजल्ट दिया, हमने जो उसे इन्फॉर्मेशन दी, तो क्या वो एक्चुअली वही इन्फॉर्मेशन जिसे हम पढ़ सकते हैं, या फिर वो डेटा इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं कि यही डेटा है राज दिल्ली में रहता है, टेक्स्ट फाइल नहीं, यहाँ पर अगर हम कोई ऑडियो वीडियो फाइल भी देते हैं तो वो भी हमारी इन्फॉर्मेशन ही कहलाती है जिसे हम सुन या पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो हमारे मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हो, ठीक है। तो इसमें कुछ डायग्राम भी हम बना के देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट जो डेटा होता है वो यहाँ पर फर्स्ट डेटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोसेसिंग का काम होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड जो नंबर आता है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो हमें फाइनल आउटपुट हो सकता है। इसे ऐसे बोल सकते हैं, हमने जो डेटा इसे पहले दिया वो हमारा डेटा जो हमने दोबारा उससे मांगा प्रोसेस होने के बाद, तो हमें जो आउटपुट के रूप में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसे हम पढ़े और देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने समझा आज की वीडियो में कि हमारे जो डेटा और इन्फॉर्मेशन तथा प्रोसेसिंग होती है इसमें क्या समानता होती है, क्या डिफरेंस होता है, और इसको डिफाइन किया हमने अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के बारे में, या हम चर्चा करेंगे हो सकता हो कि सीधा हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हो सकता है वो वीडियो आपका 15 से आधे घंटे का भी चला जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें 5 पीढ़ियाँ होती हैं और क्या क्या बदलाव हुए वो हर एक चीज़ हमें को डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट अगर वीडियो अगर ऐसा आता है जिसमें हम बात करेंगे कि इसके जो भी जनरेशन यानी कि पीढ़ियाँ हैं, तो इसके बाद क्या होगा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगी, तो आपको सारा वीडियो देख के जाना। क्यों? अगर नहीं देखना तो आप, हमने एक जनरेशन की वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर ली है, अगर आपको वहाँ से देखना है तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हो, और अगर ये सेकंड वीडियो हम चैनल पर अपलोड कर देते हैं तो आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। दोनों वीडियो सेम होने वाली, लेकिन वहाँ पर हमने पहले से ही कंप्यूटर से सारे कंपोनेंट दिखा कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके समझाएंगे पहली जनरेशन में क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन क्या अपग्रेड हुए, थर्ड में क्या हुए, तो इस तरीके से हम सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक इसे जरूर से शेयर कीजिए ताकि उनकी मदद की जा सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।